जी, मेरा नाम कंवर रविंदर सिंह है। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की जो डिमांड चार्टर है या मांग पत्र है बनाया है, उसको लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई। हिमाचल प्रदेश मुख्य मांगे क्या है? देखिए, मुख्य मांगों में सबसे पहले तो देखते हैं आप इस फैसले को, क्या हिमाचल के बागवानों के से, परंतु हमें लगता है कि ये लड़ाई अभी आधी, कम से कम 100 रुपए करने की आवश्यकता है। 100 रुपए का अर्ध किलो की पेटी 2400 रुपए की बिके, और मुझे लगता है 2400 रुपए अगर वो बिकती है तो इतना एक किसान को मिलेगा कि वो अपने खर्चे भी निकाल पाए और अपने घर का खर्च भी वहन कर सके। परंतु अगर वो 50 रुपए बेचता है तो 1200 रुपए की पेटी है और उसकी जो लागत है वो लगभग 800-900 रुपए तक है या 1000 रुपए तक है, तो उसको 200 रुपए एक पेटी के मिले बजाय इसके उसको 2400 रुपए एक पेटी के मिले। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, परंतु अभी इसमें और गुंजाइश है। सर, आप बातें बता रहे हैं सरकार आपकी है, तो क्या वो पूरा करेंगे? देखिए, हमारी सरकार जब नहीं भी थी तब भी हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस किसानों के लिए लड़ती रही, और आज हमारी सरकार है और हमें ये लगता है कि हमारी सरकार ये मांगे पूरी करेगी, क्योंकि उन्होंने मांगे पूरी करनी शुरू कर दी है और 2 मांगे पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसमें कि सब्सिडाइज रेट पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और वेट के हिसाब से सेब को मंडियों में बेचना, ये 2 बहुत बड़ी मांगे बड़े लंबे समय से थी और ये दोनों पूरी हुई। थैंक यू।